करते थे। आज आप लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए कि नहीं? कल हम लोग हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते थे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, क्या सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के। तो आज हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट जो है कल जो पढ़ाए उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हिस्ट्री का, इसका बेसिस क्या है? इसका जो बेसिस है वो है सोर्स, रिटेन सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ठीक है ना। मैंने कहा था कि लिटरेरी सोर्स के आधार पे एंशिएंट हिस्ट्री या पूरे हिस्ट्री को, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके पास रिटेन सोर्सेज है उसको आप पढ़ नहीं सकते तो उसको किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में, एग्जांपल हरप्पन सिविलाइजेशन। अगर आपके पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, रिटेन सोर्सेज बिल्कुल नहीं है, उस पीरियड को किस में रखते हैं? प्रोटो प्री हिस्ट्री में, ठीक है ना। एग्जाम्पल जितने भी पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो सोर्स हैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, रिटेन सोर्स नहीं है। और जो तीसरा पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड, वो हमने कहा था कब से शुरू होता है ना, बीसी से शुरू होता है ये वाला पीरियड, ठीक है। और ये वाला कब से शुरू होता है बताइए? हाँ भाई, अलग अलग पीरियड है लेकिन जो सबसे एग्जैक्ट जो माना जाता है ऑथेंटिक वो है 2350 से, ठीक है ना, 1750 बीसी, है ना, इस वाले को। और जो प्री हिस्ट्री है ये इनिशियल प्रारंभिक से लेकर के कब तक होगा? वही लगभग 3000 बीसी के आसपास मान लो, ठीक है ना, इनिशियल से लेकर के 3000 बीसी तक ये वाला फेज आ जाता है, ठीक है। तो सोर्स हमारे पास कौन है उसके आधार पे हम हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखें अवध पीरियड डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ अनएबिलिटी ऑफ रिटेन एविडेंस, ठीक है, रिटेन एविडेंस का। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जब हम लोग बात की थी प्री हिस्ट्री के बारे में तो उसको क्लासिफाई कर दिया था, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया था। अब हम लोग अच्छे से बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है ना, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में जो एक्सकैवेशन हुआ, जो भी हिस्ट्री आप पढ़ते हो वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आई, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। जब ब्रिटिशर्स आए थे 1861 से पहले कोई नहीं जानता था कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। जब अंग्रेज आए, पढ़े लिखे थे, उन लोगों का एक्सकेवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। वो लोग कहीं कुछ होता था तो देखते थे खोद के कि यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशंस है, ठीक है ना। तो 1861 में सबसे पहले द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंगहम, ठीक है, इसका आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंगहम है, इसे आप फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। 1863 एडी में, ठीक है, इस पे स्टोन सिविलाइजेशन पे काम हुआ, सिर्फ स्टोन पे। अभी हम जो है उधर नहीं जा रहे हैं, प्रोटो में नहीं जा रहे हैं या हिस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं, स्टोन वाले पे काम हुआ, मतलब प्री हिस्ट्री पे काम शुरू हुआ। 1871 एडी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है अलग से एक गवर्नमेंट का अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब इसमें क्या फर्क है, रिसर्च हो रहा और अलग से डिपार्टमेंट बन गया, इन दोनों में क्या फर्क है बता सकता है कोई? बोलो, कोशिश करो। जब अलग से एक डिपार्टमेंट बन जाती है मतलब सरकार जो है उस चीज में इंटरेस्ट ले रही है, वो चाहती है कि ये जो एक हिस्ट्री जो है छुपी हुई है, रहस्य है, ठीक है ना, उसको सामने लाया जाए, तो उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना देगा। और इसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये वाला फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। और दूसरा जो आता है 1901, ठीक है ना, एडी, लॉर्ड कर्जन जब उस समय वायसराय था उसके समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, ठीक है ना, इसको बना दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अभी हम देखते हैं ASI, ठीक है ना। ASI का काम क्या होता है, इंडिया में जितने भी हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं,
और इसके अंदर में है तो उसके आसपास ना तो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बना सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद का केस आपने देखा होगा, कुछ ऐसी ताजमहल के ऐसे केसेस हैं कि वो जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी है, और एक वक्फ बोर्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या होता है? हाँ, मुस्लिमों लोगों का एक ट्रस्ट होता है, ये वो क्या करती है कि कोई चीज़ अगर मैं हूँ या आप हो, आपने अपनी आपकी निजी प्रॉपर्टी है, निजी मलकियत है, आपने वो कहा कि इसका जो है देखभाल ये कमेटी करेगी, मस्जिद वाली कमेटी। तो जो निजी प्रॉपर्टी आप जब किसी मुस्लिम ट्रस्ट को असाइंड कर देते हो तो वो काम वो ट्रस्ट के जिम्मे है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अगर लगता है कि वो नेशनल हेरिटेज है, उसके लिए लॉ बनाया गया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, नेशनल इंपॉर्टेंस का हेरिटेज साइट है, तो उस पर उसका मेंटेनेंस का काम कौन देखेगा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसका जो वक्फ बोर्ड है उसको क्या मिलेगा? आपको बस उससे थोड़ा बहुत जो पैसे आएंगे रिवेन्यू वो मिलेंगे, और अगर वो मॉन्यूमेंट मस्जिद टाइप का है तो उसमें आप एक पार्टिकुलर डे को नमाज पढ़ सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि आगरा के ताजमहल में नमाज भी होती है, फ्राइडे की नमाज होती है, ठीक है, जबकि आपको लगता होगा उस थोड़ी देर के लिए, उस पीरियड के लिए, दो घंटे के लिए जो भी फॉरेस्ट टूरिस्ट या नेशनल टूरिस्ट जाते हैं उसको रोक दिया जाता है, नमाज जब हो जाती है उसके बाद फिर एंट्री होती है। तो आपको फर्क लग गया होगा कि जो वक्फ बोर्ड किया है और आर्कोलॉजिकल सर्वे, इवन की जो जामा मस्जिद है वो भी वक्फ में है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन देखती है? पूरा नहीं देखती है, कुछ खर्चे देती है वो, और रिवेन्यू जो आता है वो आधा आधा बांटती है, ठीक है। तो 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। उसके बाद जो है इंडिया में जो हिस्ट्री थी, पता ही आपको कि 1921 से पहले इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी मानी जाती थी? वैदिक सिविलाइजेशन। उसकी वजह ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं था लोगों को कि क्या है, कौन सी सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। बाद में पता चला कि इससे पहले भी जो इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, वो है जाकर के आपका वैदिक सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्री हिस्ट्री था, प्री हिस्ट्री को हम लोगों ने डिफाइन किया था पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। पीरियड में हंटर एंड फूड गैदरर्स था, सेटल्ड लाइफ बिल्कुल नहीं थी इंसान की, ठीक है ना। करता क्या था, फर्स्ट जो टूल्स थे, टूल्स के आधार पर हमने बांटा था पैलियोलिथिक को, टूल्स मतलब स्टोन के बने हुए टूल्स, ठीक है ना, वो पीरियड था सोर्स के आधार पे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे पैलियोलिथिक को किस पे बांट रहे हैं? टूल्स के आधार पे, ठीक है ना, कि पैलियो प्री पैलियोलिथिक फेज का जो इंसान है वो किस तरह के टूल्स यूज करता था, बड़े बड़े होते थे, हैंड एक्स, क्लीवर वगैरह, पत्थर के बने हुए, ठीक है ना। इस पीरियड में अगर आप देखोगे, इसका जो पहला एविडेंस पाया गया है 1863 एट पल्लवरम मद्रास के पास, ठीक है ना, क्या पाया गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाया है ह्यूमन का स्केलेटन, कंकाल और उसके हथियार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको चाहो तो आप लोग नोटिस कर लो या उस पर इंपॉर्टेंट लिख दो, ठीक है ना। ये जो है आपको देख रहे हो, ये वाला रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है ना, ये पाया गया। हाँ, दिख नहीं रहा वहां से, जूम कहां से हो गया, जूम पता है किसी को? प्लस में तो बढ़ जाएगा, नहीं आ रहा। अब दिख रहा है? तो हम लोग देखा कि पैलियोलिथिक में देखा कि जो इस पीरियड का जो इंसान था उसका हथियार कौन था? ज्यादातर कुल्हाड़ी थी, जिसको हिंदी में हस्त कुठार कहते हैं, हैंड एक्स, ठीक है, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी। उसी कुल्हाड़ी से वो हंटिंग करता था, एनिमल्स को मारता था, उसके खाल उतारता था, उसके गोश्त खाता था, ठीक है ना, गोश्त मतलब मीट खाता था, ठीक है। और इसका एविडेंस पहला कहां मिला है? पल्लवरम मद्रास से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है, ठीक है। इस पीरियड में हमने देखा टूल्स है, देखो ना, टूल्स के आधार पर हैंड एक्स, क्लीवर, इस पीरियड का, उसको भी, इस पीरियड को भी तीन हिस्से में बांटते हैं, पैलियोलिथिक को भी तीन हिस्से में हम लोग बांटते हैं। लोअर पैलियोलिथिक जो पहला वाला फेज होगा उसको क्या कहेंगे? लोअर पैलियोलिथिक कहेंगे। इसका जो टूल्स होगा, कोर टूल्स, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर, चॉपर होता है काटने के लिए। दूसरा जो पीरियड है इसी का, उसको मिडल पैलियोलिथिक कहते हैं। उसका क्या होगा? मेड ऑफ क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो स्टोन का एक टाइप्स होता है, ठीक है ना, उसके हथियार बनाए जाते थे। इसका क्वार्टजाइट की विशेषता क्या है? ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और जो धार देना चाहोगे वो दे सकते हो। और तीसरा जो फेज है, जो लास्ट वाला फेज है, उसको कहते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। इसमें बुरिन और स्क्रेपर्स टूल्स हैं। तो ये जो देख अपने पैलियोलिथिक में, इसके तीन डिवीजन, कभी कभी यह आता है कि पैलियोलिथिक फेज के कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको कि सब डिवीजन जो है तीन भागों में किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है? पैलियोलिथिक है। दूसरा जो है मेसोलिथिक है। इसको मेसोलिथिक पीरियड की विशेषता क्या है? इसमें भी इंसान हंटर है, गैदरर ही है, अभी तक वो जो है सेटल्ड लाइफ या एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है कि इस समय के जो टूल थे वो कैसे थे? छोटे थे, इसीलिए इसको जो है माइक्रोलिथ भी कहते हैं इस पीरियड को, ठीक है ना। अगर आपको आ जाता है कि
पैलोलिथिक एज का कौन सा पीरियड जो है माइक्रोलिथिक कहलाता है, तो सीधा मेसोलिथिक मारना है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। किसमें? हाँ, उसमें भी डाल देते हैं इसको, ठीक है ना। अब तीसरे हम लोग जाते हैं नियोलिथिक, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ठीक है। नियोलिथिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, ठीक है ना। फायर का क्या है, अचानक फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, अगर आपसे जनरल आप लोग पढ़ते हो, पत्थर टकराया होगा, हो सके बहुत ज्यादा हीट हुई, हम लोग देखे नहीं अनु, देखो हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें जो है ना एजम्पशंस पे होती है, अनुमान पे होती है, कोई ये नहीं कह सकता। इसलिए देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग थ्योरीज दिए होंगे, अलग अलग फैक्ट्स दिए होंगे, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अब वो गलत भी नहीं है, अगर कहा जाए कि वो गलत है, गलत भी नहीं है, ठीक है ना। ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग नहीं होने चाहिए, फैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो इस पीरियड का जो है फर्स्ट टाइम जब फायर को इंसान ने यूज करना सीखा, तो उसके कई फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ कि जो जंगल साफ हुए, कुछ जंगल साफ हुए, हेवी जंगल है, डर लगता था रात में, जंगल फॉरेस्ट जब क्लीन हुए, ठीक है ना, क्लीन होने के बाद इसकी मेहनत कम हो गई, थोड़ा सा जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई खुद से जलकर। दूसरा ये हुआ कि वो जो राख है, एसेज है, उस एसेज ने क्या काम किया, एज ए फर्टिलाइजर की तरह काम भी होता है, इसको अगर देखोगे राख का फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं। तीसरा क्या हुआ, उसने उसी जंगल में जब आग लगी होगी, कुछ एनिमल्स मर गए होंगे, उसी जानवर को उसने खाया, तो उसको उसका जो मीट है वो बहुत टेस्टी लगा, ठीक है ना। तो दो तीन चीजें हुई, तो एग्रीकल्चर की तरफ उसका रुझान हुआ, दूसरा क्या हुआ तो उसने जो है शिकार को फिर से पका के खाना शुरू किया, और धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरफ, मतलब पहले क्या था, कोई फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, ठीक है, सब ओपन है, किसी का किसी के साथ भी रिलेशन है, किसी को कोई नहीं पता कि किसी का बच्चा कौन किसका है, ठीक है ना। धीरे धीरे ये लोग चार पांच के ग्रुप में रहने लगे, और इंसान की ये नेचर होती है, फैमिली में नेचर है, नेचुरल है ये, ठीक है, फादरहुड मदरहुड नेचुरल है। धीरे धीरे इन लोगों ने चार पांच के ग्रुप में फैमिली बना के रहना शुरू किया, और सेटल लाइफ यहीं से शुरू होता है, ठीक है, नियोलिथिक एज से। अब जो देखने गौर करने वाली बात है, दो चीजें हैं, लॉरिया देवा ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस। अभी से पहले ये माना जाता था कि राइस का ओल्डेस्ट जो एविडेंस कहां से मिला है, मेयर से एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर का ओल्डेस्ट एविडेंस कहां से मिला है, एग्रीकल्चर का पूछ रहा हूं, कोलडीवा से राइस का है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है, ठीक है ना, पूछ लेता है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है जहां से अब से इसके लोहरादेव के पहले, लोहरादेव से पहले माना जाता था कि इंडिया में एग्रीकल्चर का पहला जो एविडेंस कहां से है मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है ना, वो लगभग 6000 BC के आसपास, 6000 BC के आसपास वहां, या 7000 BC कहीं किसी किसी बुक में मिलता है, ठीक है ना, वहां से मिला है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये जो है लोहरादेव ये कहाँ पे है पता आपको, यूपी में कहाँ है, हाँ कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर के पास है ये लोहरादेव। वहां से इसका जब कार्बन डेटिंग से आइडेंटिफाई किया गया, तो पता चला कि ये 9000 से 7000 BC के आसपास यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का पहला एविडेंस मिलता है। एग्रीकल्चर में भी कहाँ बोलो, हाँ तो लोहरादेव मारना है, लोहरादेव मारना है, ठीक है, मेहरगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है जी। हाँ, अगर ऑप्शंस भी अगर ई दिया हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है पहली बार, प्रथम बार, ठीक है ना, एविडेंस कहाँ से मिला, ठीक है ना, तब आपको लोहरादेव मारना है। हाँ, अगर राइस मेंशन हो तो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर होगा तो नहीं, अब तब भी आपको इसी मारना है, एग्रीकल्चर में राइस हो या वीट हो, एग्रीकल्चर तो सब में आता है ना, बात यहाँ पे एग्रीकल्चर हो या राइस हो, अगर दोनों आएगा तो आपको लोहरादेव मारना है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है लोहरादेव, मेहरगढ़ है, कोलडीवा है, और इसमें क्वेश्चन एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो आपको कौन सा मारना है, मेहरगढ़ मारना है। लेकिन हाँ बोलो, नहीं लोहरादेव मारना है, ठीक है, बीपीएससी का क्या होता है, अभी सर सीडीपीओ का किसी ने अगर दिया हो तो उसका आंसर की उसने दिया है, इस बार आंसर की बहुत संभल के दिया उसने, मतलब लगता है दोबारा रिवाइज करके डाला है उसके बाद। हाँ, एक या दो क्वेश्चन सर उसमें कुछ चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे, बीपीएससी बहुत डरा हुआ है मान के चलो, लेकिन अभी तक डेट नहीं दिया कि एग्जाम कब लेगा वो, चूंकि अग्निवीर का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसकी वजह से उसने डर के चेयरमैन ने जल्दी जल्दी निकाल दिया कि हम जो है सितंबर अगस्त में लेंगे, और अगस्त में नहीं होगा तो ये 4 अगस्त तक हो जाएगा, 4 सितंबर तक हो जाएगा, 4 सितंबर से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्या, तो एक वीक और जाएगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, आपके पास अगर एक सप्ताह एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आपके लिए बेहतर ही है ना। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, दिख रहा है या देख लो, ठीक है ना। अगर आता है एग्रीकल्चर का, उसमें मेहरगढ़ भी है, लोहरादेव है, तो लोहरादेव मारना है। अगर ये साइट का नाम नहीं दिया हुआ है,
सिंध दिया हुआ है या बलूचिस्तान दिया हुआ है, यूपी दिया हुआ है, तो जाके यूपी पे मारना है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर सिर्फ राइस का रहे, ठीक है ना, तो लोहरा दिब जाएगा। और लोहरा दिब से पहले राइस का ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ से मिला था? कोल्डीवा, कोल्डीवा, कोल्डीवा इलाहाबाद में एक जगह है, वहां से मिला था ये एविडेंस। तो इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो है गुफकरैल, जो मैंने आपको कहा था, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसमें पिट ड्वेलिंग का एविडेंस मिला और एनिमल हस्बेंड्री। मैंने आपको कहा था कि वहां से जो कब्र मिली है उसमें इंसान के साथ एक डॉग का भी स्केलेटन मिला है, ठीक है। इसका मतलब इंसान ने कुत्ते को पालना शुरू कर चुका था, एग्रीकल्चर का सिस्टम शुरू हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग देते हैं बुर्जो में ह्यूमन स्केलेटन। पीट ड्वेलिंग, पीट ड्वेलिंग समझते हो क्या होता है? एक गड्ढा कर देना, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद किसी मुस्लिम के फ्यूनरल में गए हो या नहीं गए हो, कभी कोई गए हो देखा होगा, तो उन लोगों को जो दफन करते हैं दो सिस्टम होता है। एक तो होता है कि सिंपल सा गड्ढा कर दिया, ठीक है, और गड्ढा करने के बाद थोड़ा सा बेस दिया जाता है ऊंचा सा। बॉडी दो गड्ढे होते हैं, एक गड्ढा होगा उसके नीचे फिर एक गड्ढे होते हैं, तो बॉडी को नीचे वाले गड्ढे में रखा जाता है, उसमें कफन से लिपटा हुआ। उसके बाद जो बेस दिया जाता है ऊपर वाला गड्ढा होता है, उसके ऊपर लकड़ियाँ होती हैं, तख्तियाँ होती है या बांस, आजकल बांस यूज़ करते हैं क्योंकि बांस की जो लाइफ एक्सपेंड होती है ना लकड़ी से ज़्यादा होती है। लकड़ी जल्दी सड़ जाती है तो जल्दी धस जाती है। लकड़ी अगर मान लो एक साल में बसेगा तो बांस जो है तीन साल दो साल खींच लेता है, तो उसके ऊपर फिर बांस रखे जाते हैं। लेकिन कुछ जगह बरियल का सिस्टम, जैसे सऊदी अरब में क्या होता है कि गड्ढा करने के बाद मेन सा गड्ढा हो गया 6-7 फीट का, उसके अंदर घुस करके फिर नीचे में साइड में जैसे दाज होता है ना इस तरह का, जैसे ये है इस तरह का देख रहे हो ना, इस तरह का गड्ढा करके उसमें रख करके बॉडी को और लकड़ी से ढक करके उसके बाद मिट्टी डाली जाती है। तो पीट ड्वेलिंग का मतलब एक गड्ढा कर दिया, ठीक है, और इस तरह से गड्ढा करने के बाद एक गड्ढा करना है, इसको कहते हैं पीट ड्वेलिंग। तो कभी कभी आता है कि पीट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ पे मिला है? ये बुरजुम जम्मू कश्मीर से मिला है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, नियोलिथिक एज हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आते हैं कि एक और फेज आता है इसके बाद, उसको कहते हैं चालकोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है ना, चालकोलिथिक एज कहते हैं। अब देखो चालकोलिथिक एज देखिए, स्टेट ऑफ यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है? चालकोलिथिक लाइट की वजह से तो नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है। चलो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज में क्या है, ये सब साइट्स है इंडिया में, कभी कभी आ जाता है चालकोलिथिक एज की बस्तियां, ठीक है ना। ये साउथ ईस्ट राजस्थान, ये मिली है राजस्थान में, एमपी में, ठीक है, और तीसरा है तुम्हारा मध्य प्रदेश में, और चौथा जाकर के महाराष्ट्र में, चार ही है। अगर स्टेट वाइज पूछ लेता है कि चालकोलिथिक एज का एविडेंस किस स्टेट से मिला है, तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और बताओ, राजस्थान हो गया ना, वेस्टर्न एमपी, उसके महाराष्ट्र और ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि हमारा जो बिहार वाला साइड्स है, चिरान वाला, वो किस में आता है? ईस्टर्न इंडिया में आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ईस्टर्न इंडिया में जो साइट्स नहीं दिख रहे हैं क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चालकोलिथिक एज का बिहार में एविडेंस जो है कहाँ से मिला है? चिरान से मिला है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषता ये है चालकोलिथिक की, जितनी भी बस्तियां है, घर कैसे बनते थे? अंडाकार बने होते थे, ठीक है ना, और ये सारी बस्तियां जो है सिटेडल होती थी, किले से बनी, फोर्टिफाइड होती थी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब बस्तियां आ सकता है कि कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे आहार, बहार, गिन, बालाघाट, उजियाना, गिलुन, ये सब किस में आता है? साउथ ईस्ट राजस्थान में, ठीक है ना। दूसरा मालवा, कायथा, एरन और नर्मदा टोली, ये किस में आता है? मध्य प्रदेश वाले में। तीसरा आता है महाराष्ट्र में, अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जोरवा, नेवासा, दायमाबाद, ये सब किस में आता है? महाराष्ट्र वाले में। और चौथा जो आता है ईस्टर्न इंडिया में, पांडू राजा डीबी और महिषादल, ठीक है ना, ये सब बिहार में आता है, ठीक है। अदर प्लेसेस बिहार में चैरान, सिनवार, सोनपुर, ताराडी, ठीक है ना। और दूसरा है ईस्टर्न यूपी में केदार, ये कौन सा है, खैरनाडी और नरहान, ठीक है। ये सब किस में आता है? चालकोलिथिक में आता है। इसमें क्वेश्चन उतना बनते नहीं है, कभी कभी ये पूछ लेता चालकोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां तक क्लियर है, अब जो बता दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, ठीक है ना। खोज पहले दे लो कि खोज कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिस्कवर कैसे हुआ ये।
आप लोगों ने पढ़ा होगा सर हिस्ट्री में कि 1826 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश स्कॉलर था, ठीक है, वो जब वहां से जा रहा था सिंध वाले रीजन से, ठीक है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान वाला रीजन भी इंडिया में ही था, जब सिंध से जा रहा था तो एक तरह का उसको टीला टाइप का दिखा, ठीक है ना, और वहां से कुछ ईट ब्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर उसको देखा, ठीक है, तो उसको लगा कि शायद यहाँ पे कुछ है, लेकिन उस समय उसने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। बाद में एक और ब्रिटिश ऑफिसर था, वो जब रंजीत सिंह से मिलने जा रहा था तो उसको लगा कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ईटें यहाँ से दिख रही है, निकल रही है। फिर बाद 1856 में, ठीक है, जब वो कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे ईंटों का एक टीला है, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उस टीले को, उस ईंट को यूज़ कर लिया पटरी ट्रैक बिछाने में। तो जब ईंटें निकाली जा रही थी तो बहुत ज़्यादा तादाद में ईंटें निकल रही थी। फिर उस समय जो सर जॉन मार्शल, नाम सुना होगा अपने को, इंडिया का पहला जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कमिश्नर है वो सर जॉन मार्शल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है ना। उसके उसने जो बाद में करवा, उस आता है 1900 कब आता है वो 21 ईस्वी में आता है, लेकिन जब 1921 ईस्वी में आता है तो उससे पहले जो है दयाराम साहनी को वो ऑब्जर्वर यूज करता है कि भाई आप जो है वहाँ पे देखो कि वहाँ पे है क्या एक्चुअली। तो वहाँ पे एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन जब होता है तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे एक कोई सिविलाइजेशन रही होगी एंशिएंट टाइम की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर उसका दो तरह के एक्सकेवेशन होते हैं, एक होते हैं हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है ना। जो वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, एक जगह आपको अगर पता चल गया कि यहाँ पे कोई मिनरल्स है या कोई जो है नेचुरल रिसोर्स है, तो आप उसको लोकेशन अगर आपको पता चल गया तो आप उस पार्टिकुलर जगह पे एक्सकेवेशन करते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आपको लंबे सतह पे करना पड़ता है, हॉरिजेंटल करना पड़ता है। हॉरिजेंटल बहुत खर्चीला होता है, आपको कई किलोमीटर तक करना पड़ता है इस तरह से, वर्टिकल आसानी होती है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, एक पार्टिकुलर 5-6 किलोमीटर का लेकर के हॉरिजेंटल किया, वर्टिकल नहीं किया। तो पता चला कि आसपास में जो है बहुत सारी टाउन प्लान से बिल्डिंग्स मिल रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, ग्रेट वॉक मिल रहे हैं। उसी समय जो है इस सिविलाइजेशन जो है ये जो है दुनिया की नज़र में आया, और इस सिविलाइजेशन को जो है 3 नाम दिया जाता है। अगर आप देखोगे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये इंडस और उसका जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, जितने 6-7 रिवर है उसके चारों तरफ ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है ना। पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, बाद में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइनली नाम दिया गया। कुछ किताब में इंडस वैली भी होता है, कुछ में हड़प्पन भी होता है, दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि जो पहला साइट था इस सिविलाइजेशन का हड़प्पा में था 1921 में, ठीक है ना। 1921 में सर जॉन मार्स इसको क्या कहते हैं, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, उसने खोज किया। और 1922 में किसने, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को किया, ठीक है। ये दो जब मेन साइट्स आए तो पता चला कि इसको और एक्सकेवेट किया जाए, तो धीरे धीरे करके जो है चंदूरो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है ना, बालाकोट, कोट दीजी, बहुत सारे साइट्स आए। और कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो एक्सकेवेशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में। अगर स्टेट वाइज है तो गुजरात होगा, अगर कंट्री वाइज अगर आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर साइट्स जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सकेवेशन में आए हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा साइट जो थे वो इंडिया में थे, पाकिस्तान में बहुत कम थे, ठीक है ना। लेकिन ये सिविलाइजेशंस का जो मेन सेंटर था वो कौन था, पाकिस्तान वाला रीजन था, ठीक है ना, इसलिए वो इंडस वाली सिविलाइजेशन को पाकिस्तान अपनी सिविलाइजेशंस कहता है। इस चीज को लेकर डिस्प्यूट्स है, भगत सिंह को भी वो अपना ही कहता, हीरो कहता है, ठीक है, कि वहीं पैदा हुए, वहीं पे उसको फांसी उसी हो गई, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे इसका जो आगे आपने देख लिया डिस्कवर देखा, अब इसके पीरियड को लेकर बात आती है, ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डिफरेंट पीरियड बताया है, ठीक है, और सबका पीरियड, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है 3250 से 2750 है, कुछ लोग कहते हैं 2750 से कितना है, 1500 BC है। फाइनली इसके बारे में ये माना गया कि 2350 से 1750 का इसका पीरियड माना जाएगा। अभी तक आप लोगों को ये पता होगा, ये सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में ये पता होगा आप लोगों को कि ये सिविलाइजेशन जो है अचानक इमर्ज हुई, इसके लेके भी थ्योरी है, ठीक है ना। अगर इसकी बात आती है कि ये कैसे ओरिजिन हुआ, तो इसकी थ्योरी है कि ये सिविलाइजेशन अचानक नहीं आएगा। इतना ग्रेट सिविलाइजेशन, इतना एडवांस सिविलाइजेशन, इतना क्या वेल मेंटेन, इतना अर्बन सिविलाइजेशन अचानक कैसे आ सकता है। तो एक रोमिला थापर हिस्टोरियन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक और है तुम्हारे जो उसके जो गुरु हैं, ठीक है, उसका नाम सुना है, द वंडर दैट वाज इंडिया, किसने लिखा है, एल वॉशम, नाम सुना है ना, अद्भुत भारत जो किताब आती है हिंदी में, देखा है एंसेंट का, नहीं देखा है, ऑस्ट्रेलियन है, उसी कंट्री में रोमिला थापर ने हिस्ट्री में रिसर्च किया है। उन्होंने कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये अचानक नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई भी सिविलाइजेशन अगर कहीं आप जाते हो, जैसे आज के डेट में आप यहाँ पे रह रहे हो, आप हर चीज़ देख रहे हो, लिफ्ट है,
अर्बनाइजेशन हो गया, इतना एडवांस है, ठीक है, आप फोन में पे से किसी को जो है तुरंत पैसे पे कर देते हो, तो यहाँ तक पहुँचने में आप अचानक आ गए, एक फेज पास किया आप लोगों ने। आज से 20-30 साल बाद कोई सोच नहीं सकता था कि फोन पे से लोग सेकंड में किसी को पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो इस सिविलाइजेशन के इमर्ज होने में भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है ना। वो ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है, उसके तीन है। एक तो इनिशियल फेज है हरप्पन सिविलाइजेशन का, पहले क्या था कि कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे, सेटल लाइफ जीते थे। जब उनका एग्रीकल्चर सरप्लस में चला गया तो उसको क्या किया उन्होंने, जब सरप्लस में होता है कोई चीज़ तो क्या होता है, हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वहाँ पे जमावड़ा होता है लोगों का, सेटलमेंट होता है, अर्बनाइजेशन का फॉर्म इसी तरह से आया। तो ये सिविलाइजेशन भी जो है अचानक नहीं हुआ बल्कि ग्रेजुअल फॉर्म में आया। दूसरा जो इसका आता है कि ये जो फेज है हरप्पन सिविलाइजेशन का, इसके फाउंडर्स कौन थे, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके फाउंडर्स कौन थे, कौन लोग थे जो इस सिविलाइजेशन को यहाँ तक पहुँचा गए। इसमें भी दो थ्योरी है, एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ठीक है, उसमें मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, स्टुअर्ट है ना, मार्टिमर व्हीलर हो गया, और हाँ गार्डन चाइल्ड, एक इंडिया के एक और हैं डी डी कौसाम्बी, ठीक है ना। ये तीन लोगों ने ये कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडिजिनस नहीं है, यहाँ के लोगों की सिविलाइजेशन नहीं है। उस समय की चार कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, कौन कौन सी थी, मेसोपोटामियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और ये सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि उस समय चूंकि मेसोपोटामिया के लोग इधर से चाइना से ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया में एक इसका जो कॉलोनी था सुमेर कहते थे, सुमेरियन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, तो वो लोग आते जाते थे इधर वाले रूट से। तो ये लोग जो है नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में सेटल हो गए, उन लोगों से ही ये सिविलाइजेशन पिक पे पहुंची। और ये सिविलाइजेशन के फाउंडर कौन है, सुमेरिया या मेसोपोटामियन है, ठीक है ना। इसके लिए उन लोग लॉजिक देते हैं, लॉजिक क्या देते हैं कि इस इंडस वैली से जितने भी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स मिले हैं उसमें सहती भी समझते हो, पुराने घरों में अगर आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग में तो बेस के लिए मोटे मोटे लकड़ी के डले होते हैं, ठीक है ना, वो सुमेरिया में पाए जाते थे वहाँ के बिल्डिंग्स में। यहाँ के बिल्डिंग्स में जो दो तल्ले तीन तल्ले बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें सीढ़ियाँ स्टेयर्स जो है इंडिया का नहीं ओरिजिन नहीं है, वो कहते थे कि सुमेरिया के सिविलाइजेशन में मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, इसका मतलब ये सिविलाइजेशन जो है उसकी कॉपी है, ठीक है ना। दूसरा ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रीस्ट क्लास रूल करते थे, पुरोहित वर्ग करते थे, लेकिन इस सिविलाइजेशन को काउंटर इस तरह से किया जाता है, लिपि के बारे में कहते हैं तो इसको काउंटर किया जाता है कि ये सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक ये देते हैं कि वो जो सहतीर वाला यूज़ है ये एक दो जगह मिला है, पूरे इंडस साइट्स में नहीं मिला, एक दो जगह अगर कोई एविडेंस मिला है उसके जब साथ आधार पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वही चीज़ें हैं। दूसरा वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी टेंपल का एविडेंस नहीं मिला, ग्रेट बात मिला है लेकिन टेंपल का एविडेंस नहीं मिला, मदर गॉडेस का मिला है, ठीक है, लेकिन किसी टेंपल्स वगैरह का नहीं मिला, तो जो पुरोहित थे वो नहीं थे यहाँ पे, उसका भी नहीं। तीसरा स्क्रिप्ट की बात आती है, स्क्रिप्ट के आधार पे इस थ्योरी को काउंटर किया जाता है कि जो सुमेरियन स्क्रिप्ट है वो कैसी है, वो इस तरह से है, कील नुमा समझते हो, कील नुमा जो कहते हैं कील टाइप की बनी हुई होगी, ठीक है, अगर इस तरह से बनी हुई होगी उसकी जो स्क्रिप्ट है। और जो इंडस स्क्रिप्ट है वो किस तरह है, पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। तीसरा होता है सील, जो मुहरें हैं, जो मेसोपोटामिया की मुहर है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुहर है सील है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो इसी चार आधार पे कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन जो आप कहते हैं कि ये फॉरेन ओरिजिन से हुआ है वो बात सही नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी तो फॉरेन ओरिजिन वाला जो है वो खारिज हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। अब दूसरा कौन सा हो सकता है, थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ वो यहीं के लोगों ने किया, यहीं से हुई। इसके पीछे तीन थ्योरी दी जाती है, एक थ्योरी तो ये दी जाती है कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ड्रविडियंस थे। अगर आप ड्रविड किसको कहते हैं, साउथ इंडिया वाले रीजन को, सिर्फ एक स्टेट को नहीं, वो जो पूरा साउथ वाला रीजन है ना वो पूरा ड्रविड लैंड ही है। उसका फीचर्स क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, हाइट थोड़ी सी कम होती है। और उनके जो काउंटर किया जाता है, एविडेंस दिया जाता है कि उसके फाउंडर कैसे थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन गॉड था कौन था, मेन गॉड पोटो शिवा जिसको कहते हैं शिव जी। आप जाओगे साउथ इंडिया में शिव जी की पूजा बहुत होती है, वहाँ पे वैष्णवाइट्स बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है ना, लिंग और योनि की पूजा, ठीक है ना, शिवलिंग की पूजा वो साउथ इंडिया में होती है, वहाँ तो अलग से एक संप्रदाय लिंगायत नाम सुना होगा आपने कर्नाटक में, ठीक है ना, चांदी के इसमें ताबीज में बनाकर शिवलिंग को पहनते हैं वो लोग। अब वो लोग कहते हैं कि वी आर नॉट हिंदूज, अपने आप को हिंदू से अलग करते हुए अलग ही संप्रदाय कहते हैं। तीसरा ये लोग वो कहते हैं कि उसकी जो स्क्रिप्ट है, आपने देखा होगा अगर द्रविडियन स्क्रिप्ट देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट देखोगे तो दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है। और जो कुछ स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले हैं
इंडस वैली सिविलाइजेशन से और डेविडियन के स्केलेटन से, तो दोनों को कहा जाता है ये मेडिटेरियन से मिलते हैं, मध्य एशिया वाले से। उसके आधार पर कहता है कि डेविडियंस का भी उनसे मिलता है और इंडस वाले का भी मिलता है। इसका मतलब है कि ये दोनों के फाउंडर कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, है ना। और मैक्स मध्य एशिया वाले थ्योरी को कौन प्रोफाउंड करते हैं, मैक्स मूलर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य एशिया का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मध्य एशिया वाला सिद्धांत है वो किसने दिया है, मैक्स मूलर ने दिया है, ठीक है ना। तो उसमें ये कहते हैं कि इन द्रविडियन ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को काउंटर किया जाता है। पहला काउंटर ये किया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो द्रविडियन में नहीं है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी कंटेम्प्रेरी, उस समय एडवांस थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और उस समय के जो लोग थे इतने एडवांस द्रविडियन थे ही नहीं, ठीक है ना। साउथ इंडिया में जो लोग रहते थे, ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ इंडस वैली वाले रीजन में ही लोग थे, लोग तो इधर भी थे ना, लेकिन वो लोग सिविलाइज नहीं थे इतने, ठीक है। तो वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ये रूरल सिविलाइजेशन है। तो इस आधार पर जो है वो भी गलत थ्योरी खत्म हो गई। दूसरा थ्योरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फाउंडर थे वो कौन थे, आर्यन थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यन हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर, कैसे, किस आधार पे, अर्बन सभ्यता। दूसरा बताइए, इसकी जो इकोनॉमी थी वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे थी, एग्रीकल्चर पे थी, वो पैस्टोरल पे थी, पशुपालन पे थी, ठीक है ना। तीसरा, इनकी स्क्रिप्ट थी, वो उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, आर्यंस के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है ना। चौथा रीजन है कि दोनों के कलर, स्केलेटन वगैरह जो फिजिकल फीचर्स होता है उसमें डिफरेंस है। और साफ साफ लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि आर्यंस कहाँ से आए हैं, ईरान से होते हुए आए या जर्मनी वगैरह से वो क्या है। आपने सुना होगा कि हिटलर की जो आर्मी थी, रेड आर्मी, उसका लोगो ही था यहाँ पे स्वास्तिका चिन्ह, ठीक है ना। तो वो अपने आप को आर्यन कहते हैं। आर्यन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम रेस, ठीक है ना। तो ये सिविलाइज, वो जो आर्यन थे वो तो हो ही नहीं सकता, ये भी खत्म। अब जो तीसरा जो थ्योरी है इंडिजीनस वाला, उसमें यह है कि इस सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ बीकानेर, राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, ठीक है ना, उसके आसपास की रीजन का जो क्षेत्र था उसको सोथी कहते थे, उस समय का जो सिविलाइजेशन था सोथी। तो इस सिविलाइजेशन का जो इमरजेंस हुआ है वो सोथी कल्चर से हुआ है, ठीक है ना। और इसके पीछे ये लॉजिक देते हैं कि पहले ये लोग क्या करते थे कि थोड़ी बहुत ये लोग कृषि करते थे, कृषि करते करते इन लोगों में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का। यही सिविलाइजेशन जो है राजस्थान से बढ़ते बढ़ते पंजाब गुजरात होते हुए पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान तक फैल गया, और वही सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस थ्योरी पे कुछ हद तक लोगों में आम रहा है स्कूल्स में कि ये एक चीज़ तो हो गया कि इसके जो फाउंडर्स थे वो इंडिजिनस थे, ठीक है। इंडिजिनस में भी कौन वाले थे, राजस्थान में सोथी कल्चर वाले भी थे, ठीक है। तो आप इसके फाउंडर्स के बारे में भी जान लिया कि इसके फाउंडर्स कौन थे, ठीक है, इंडिजिनस वाले थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इसका एक्सपेंशन क्या था, ठीक है। अगर आप इसके एक्सपेंशन देखोगे तो ये जो था, ठीक है, मांडा है ना, मांडा जम्मू कश्मीर है। दूसरा दायमाबाद, वो तो सब याद है तब लोगों, इसमें पीडीएफ में है, हम इसलिए लिख के समझा कि और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको हम बता दें इसमें। तीसरा है आपका, बताइए, आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर। और इधर क्या है वेस्ट में, सुतका गेंडोर, ठीक है ना, वो कहाँ है, हाँ कहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सपेंसिव कहते हैं 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अभी इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप उसको डिवाइड करोगे, परसेंटेज निकालो, कितना निकलेगा, 38-39 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 38 या 39% आना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। इतना मतलब अभी का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, अब सोच लो अभी जो 32,87,000 हम लोग एरिया बताते हैं इंडिया का, वो सिर्फ इंडिया का बताते हैं, पाकिस्तान तो बाहर ही हो गया, अफगानिस्तान वाला थोड़ा सा रीजन था, और इधर बांग्लादेश, ठीक है ना, वो सब मिला लो उस समय के एरिया के हिसाब से, तो आ जाएगा लगभग 22-24% के आसपास आ जाएगा। लेकिन अभी के इंडिया के हिसाब से देखें 39%, मतलब इसका एक्सपेंशन कितना बड़ा था आप सोच सकते हो। दूसरा, इसका जो अगर इसको आप मिलाओगे तो इसका ट्रायंगुलर था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया हम देखते हैं तो क्या आता है, ट्रायंगुलर आता है, ठीक है ना। कभी कभी एरिया भी पूछ लेता है, कभी त्रिभुजाकार था ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन थी, चारों एक्सपेंशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, पा है ना, पाकिस्तान में कौन कौन सा है,
ठीक है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में तीन है, ठीक है ना, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ये तीन मेजर है, और बाकी देखो इंडिया में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ। कभी कभी स्टेट्स देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के कौन कौन से, बिहार का तो होगा नहीं मान के भी मत चलना, ठीक है, महाराष्ट्र और इधर यूपी, और उधर अगर आ जाता है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इंडिया में है शेप ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, है ना, ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, सुतकोंगडोर वेस्टर्न है सबसे, से वेस्टर्न मोस्ट सुतकोंगडोर है, ठीक है, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये पीडीएफ जब मिलेगा आप इसको रट लेना अच्छे से, इसे मान लो ये पीडीएफ में लगभग 26-28 पेज के होंगे, में एंशियंट से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में, और वेस्टर्न दायमाबाद साउदर्न में, ठीक है ना। अब इस सिविलाइजेशन की एक फीचर्स ये है कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे थी, नदी किनारे होने की वजह ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके लिए इरिगेशन चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ठीक है ना। ये शुरू में था, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में आया, तो ये सेमी एरिड जोन है, सेमी एरिड जोन समझते हो ना, जहाँ पे बारिश कम होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है ना। वो किस लिए था, इस रीजन में अगर सूखा पड़ता है तो इरिगेशन वगैरह में यूज करने के लिए लोग पानी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करते थे, ठीक है ना। आप अगर देखोगे तो हर घर में एक वेल मिलता था, ठीक है ना, कुएं का एविडेंस अगर देखोगे। अभी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि अभी का इंडिया हूबहू डिट्टो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉपी है, रिलीजन में तो पूरा कॉपी है, वो हम लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ों में कॉपी है। तो घर में कुआं, एक किचन, ठीक है ना, नालियाँ, ठीक है ना, मोरी, छोटी छोटी नालियाँ, बड़ी नाली में जाके खुलती थी मेन हॉल में, ठीक है, नालियाँ कवर होती थी पूरी तरह से, जो विंडो होती थी वो घर के में रोड की साइड ना खुल के साइड की साइड खुलती थी, ठीक है, और बाथरूम जो होता था, बाथरूम में जो है पक्की होती थी ईंट बना करके, उसमें जिप्सम वगैरह से ही कर दिया जाता था, ताकि जो है वो सीलन ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी हम अब कंपेयर करेंगे, वो चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग मेन जो क्वेश्चन बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो मेन साइट्स के बारे में बनता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में, ठीक है ना, आते हैं उस पर, किधर इधर है, वो एक है ना, ठीक है ना। अब जो साइट्स है मेन में, एक्सकेवेटर का थोड़ा सा देख लो, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है ना। अरे क्लियर, अगर आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था, हड़प्पा ही मानना है, ठीक है ना, और इसके फाउंडर कौन थे, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखाल दशमनी। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड होता है, किस भाषा में है? नहीं नहीं सिंधी भाषा में लिख लो, कुछ चीजें मैं आपको वो बताऊं जो बुक्स में नहीं मिलेगी। सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है ना, मृतकों का टीला। और तीसरा जो आता है चाहुंदारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, ये भी सिंध में ही है, उसी साइड, पाकिस्तान साइड में, और इसके जो फाउंडर थे मजूमदार थे। लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल वाला, ठीक है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है, और फोर्ट तो पता है सबको, दूसरा राइस का एविडेंस मिलता है यहां से, उसके बाद बीट्स का, तीसरा डबल बरियल भी मिलता है, एक ही कब्र में दो लोगों को दफन करके दफनाया गया था, उसके स्केलेटन मिलते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे लिपटे हैं, हो सकता है वाइफ हस्बैंड हो, ठीक है। और तीसरा कौन सा मिलता है, पर्ची नहीं, जो हाथी दांत का जो स्केल, एक हाथी के दांत का बना हुआ स्केल मिलता है, ये भी, और पर्शियन सील्स भी मिलते हैं लोथल से, ये बहुत, चार पांच वो कालीबंगा से मिलता है फायर बीट्स, ठीक है ना, उस पर आते हैं हम लोग, ये देख लिया ना पूरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोर्ट्रेट ऑफ, अब जाते हैं हड़प्पा के बारे में, कौन कौन सा मेन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन चौक समझते हो, अरे एक होता है ना जिसके कुंवर निकला हुआ हो, हम बुल, ठीक है ना। दूसरा पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, हड़प्पा से एक सील मिला है, रात में सोई नहीं गया, हड़प्पा से एक सील मिला है, उस सील में दिखाया गया है, ठीक है, कि एक गॉडेस के पेट से जो है पौधा निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसे क्या एविडेंस मिलता है, क्या लॉजिक लगाते हो उसे, हाँ, किसको फर्टिलिटी, क्या बताओ, सही बोल रहे हो, जा रहे सही रहे, वो जो गॉडेस है वो बेसिकली अर्थ है, ठीक है ना, वो गॉडेस जो है बेसिकली पूरा अर्थ है, और उस अर्थ से जितने प्लांट देख रहे हो
तो जितनी भी चीजें हैं खेती जो करते हो आप कहाँ करते हो, धरती पे ही तो करते हो। तो धरती क्या है, फर्टिलिटी की।